नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,369 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कल यानी 6 सितंबर को कोरोना के कुल 4,417 मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,094 रिकवरी भी हुई है। कोरोना के एक्टिव मामले घटकर अब 50,594 हो गए हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 7,44,72,241 मामले सामने आ चुके हैं। आरजेडी नेता शरद यादव ने कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने आज कहा है कि विपक्ष के नेताओं को एक साथ लाना बेहद ही मुश्किल का काम है। फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू हो। अगर एक बार सहमति बन जाती है तो चेहरा तो बाद में भी तय हो जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा, बीच में वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। पार्टी से कितना जुड़े हैं ये आप सभी जानते हैं। कांग्रेस के अपने पुराने समर्पित लोग, समर्पित नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। राहुल जी आप पहले अपना घर पार्टी जोड़ लेते तब देश जोड़ने की बात करते, उसके परिवार बचाने की यात्रा है। कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओ फिर अध्यक्ष बनाओ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक मंच पर लाने से जुड़े सवाल का नीतीश कुमार ने सदैव शब्दों से जवाब दिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि समय का इंतजार कीजिए, सब अच्छा ही होगा। धीरे धीरे सभी लोगों से बातचीत हो रही है, उसको लेकर भी बात होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोगों को इस बात का एहसास है कि जिनके हाथ में आज दिन ताकत है उसके चलते देश को नुकसान हो रहा है। इसे अगर लोग समझ लेंगे और एक साथ अलग अलग जगहों पर मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यह धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। आम आदमी के पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने दावा किया है कि सक्सेना ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है। इसी तरह का आरोप लगाने पर सक्सेना ने आपके 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कानूनी नोटिस को फाड़ते हुए संजय सिंह ने कहा, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। ट्विटर पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में इस दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा है कि एक मध्यस्थ होने के नाते वह यह तय नहीं कर सकती कि उसके मंच पर पोस्ट की गई सामग्री वैध है या नहीं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट एक ट्विटर यूजर एथिस रिपब्लिक द्वारा माँ काली के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एशिया कप में टीम इंडिया के लगातार दो हार ने फैंस को काफी निराश किया है। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का कहना है कि जब हम चाहते हैं कि मैच जीते तो उसके लिए तैयारी भी बेहतर करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि टीम सिलेक्शन बेहतर हो सकता था, खासकर तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। मोहम्मद समी जैसे गेंदबाज अपने घर पर बैठा हुआ है, यह देखकर मेरा सिर घूम गया। IPL के बाद उन्हें अधिक क्रिकेट मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। भारत सरकार विदेश व्यापार में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए आज अहम बैठक करने जा रही है। इसमें वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि समेत सभी प्रमुख बैंकों के अधिकारी शामिल होंगे। इससे रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने से इन देशों के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, भारतीय कारोबारी को बड़ा बाजार मिलेगा। इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में बैलेंस बनाने में इस प्रक्रिया से मदद मिल सकती है। HDFC बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है तो आज से बड़ा बदलाव हो गया है। बैंक ने सभी अवधि की MCLR दरों में इजाफा कर दिया है। लोन लेने वाले के लिए सभी अवधि के MCLR रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। MCLR रेट्स में हुए इजाफे के बाद नए और मौजूदा दोनों ही तरह के ग्राहकों को महंगा लोन मिलेगा। इसमें होम लोन, ऑटो लोन और अन्य सभी तरह के लोन शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इंडिया आइडिया समिट के दौरान कहा, महंगाई इसलिए बड़ी प्राथमिकता नहीं है क्योंकि बीते कुछ महीनों में हम इसे वहनीय स्तर पर लाने में कामयाब रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में नरमी से मुद्रास्फीति कम होकर 6.71% पर आ गई। हालांकि यह भारतीय रिजर्व बैंक की संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6.0% से लगातार 7वें महीने ऊपर बनी रही। अगर आप भी YouTube पर एड्स के बिना वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए इन आसान टिप्स को अपना सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube प्रीमियम सदस्यता लेनी होगी जो कि ₹129 के शुल्क से शुरू होती है। इसके अलावा आप किसी वेब ब्राउजर जैसे एड ब्लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो Google Play Store से एड ब्लॉक एंड प्राइवेट ब्राउजर का डाउनलोड करके भी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं।
रेलवे स्क्रैप घोटाले में ईडी ने हाजीपुर में बड़ी कार्रवाई की है। इस घोटालों से जुड़े एक रेलवे अधिकारी की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ईडी के द्वारा चंदेश्वर यादव के एवं उनके परिवार के नाम के चल अचल फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी म्यूचुअल फंड करीब 3.5 करोड़ का जब्त किया गया है। चंदेश्वर यादव ने नौकरी में रहते हुए 38 लाख वेतन के मुकाबले 2,33,96,990 अर्जित किया था। आयकर विभाग की ओर से हाल ही में इस साल 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच 1.97 करोड़ से अधिक टैक्स पेयरों के खाते में 1.14 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का जवाब नहीं देने पर टैक्स पेयर्स पर 200% का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिस एक रिमाइंडर होता है। अगर आपकी पूरी जानकारियां करेक्ट है तो टैक्स पेयर्स को ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना चाहिए और नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर नोटिस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर वाहनों के अधिकतम स्पीड लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस सप्ताह बेंगलुरु में परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी, जहां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे की तरफ से सभी एक्सप्रेसवे पर कारों की अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आने वाले समय में कारों की स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। इसके लिए राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद राहुल गांधी श्री पेरुम्बुदूर में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल बंटवारा समझौता पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। गंगा जल संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस तरह का यह पहला समझौता है। मोदी ने हसीना से बात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, आज हमने कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आर्थर रोड जेल के अधिकारियों से सांसद संजय राउत से मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि बैठक की अनुमति अदालत से मांगी जाए। इसके साथ ही कहा कि जेलर केबिन में बैठक नहीं हो सकती, यह बैठक जेल के नियमों के अनुसार होगी, जैसे अदालत की अनुमति के बाद कैदियों और उनसे मिलने वालों की होती है। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर तीसरे पायदान पर एंट्री मारी है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ बढ़कर $148.8 अरब हो गई थी। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव बुधवार को पारित किया। केंद्रीय विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में एनडीएमसी की एक विशेष बैठक यहां आयोजित की गई। लेखी ने कहा, हमने परिषद की विशेष बैठक में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने जायसवाल के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि संजय जायसवाल के नाम के साथ डॉक्टर लगा है, फिर भी वो इस तरह की बातें करते हैं। वहीं एजाज अहमद ने कहा है कि जिस तरह से संजय जायसवाल दल बदल की राजनीति करते हैं, उसे देखकर लगता है कि संजय जायसवाल नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण मौजूदा एशिया कप से बाहर हो गए थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है कि जडेजा के घुटनों की सर्जरी हो गई है। जडेजा ने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा, सर्जरी सफल रही, समर्थन और भागीदारी के लिए धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोग हैं। बीसीसीआई मेरे साथ ही सहयोगी स्टाफ फिजियो डॉक्टर और प्रशंसक, मैं जल्द ही अपनी रिहैब शुरू करूंगा और जल्द से जल्द क्रिकेट में वापसी करने की कोशिश करूंगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का माल एवं सेवा का निर्यात $675 अरब को पार कर गया है और अब देश 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाकर $2,000 अरब तक पहुंचना चाहता है। गोयल ने कहा, 2047 से 2050 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब सामान्य परिदृश्य में भारत कम से कम 30,000 अरब की अर्थव्यवस्था होगा और सरकार की योजनाएं काम कर रही थी तो अर्थव्यवस्था कम से कम 35,000 से 45,000 अरब की होगी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन 69 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है और लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति 14 में बिग बी ने कंटेस्टेंट की बात सुनकर कहा कि आपकी और हमारी स्थिति एकदम सेम है, हम भी क्या बताएं आपसे, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं हम यहाँ पर और अब जब आपका खेल खत्म होगा तो उसके बाद फिर आएंगे हम यहाँ पर, यहाँ रात के 7 से 8 बजे तक चलेगा। बिग बी की बातों से लगता है कि वह वाकई 12 घंटे तक काम करते हैं। आयकर विभाग दे
देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। यह छापेमारी तकरीबन 6 राज्यों में अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह छापेमारी उन दलों के खिलाफ की गई है जो डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं। यह छापेमारी 50 अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने 111 दलों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था क्योंकि ये पंजीकृत नहीं थे। बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मंगलवार रात मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीफ खाने और ब्रह्मास्त्र देखने पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए रोका था। बजरंग दल के नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले रणबीर ने कहा था कि वह मांसाहारी भोजन में मटन, चिकन और बीफ खाना पसंद करते हैं। आलिया ने भी कहा था कि जो लोग उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र देखना चाहते हैं उन्हें देखनी चाहिए और जो नहीं देखना चाहते उन्हें नहीं देखनी चाहिए। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अदानी को आज 11:40 AM पर अमेरिका भारत व्यापार परिषद US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार यानी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित से किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम के शामिल होने की संभावना है। खाड़ी देशों में अमेरिका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स के कंटेंट पर खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब और अरब सहयोग परिषद के अन्य सदस्यों ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा है। इसके साथ ही एक बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा प्रसारित कंटेंट इस्लाम और सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। अगर नेटफ्लिक्स ऐसे कार्यक्रम नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। रिजवान ने अपनी ही टीम के कप्तान बाबर आजम को पछाड़ कर यह मुकाम हासिल किया। भारत के सूर्यकुमार यादव के हाथ भी ताजा रैंकिंग में निराशा आई है। रिजवान एशिया कप के 3 पारियों में 192 रन बना चुके हैं। रिजवान ने हांगकांग के खिलाफ नाबाद 78 रन की पारी खेली। इसके बाद रिजवान ने भारत के खिलाफ 71 रन बनाए और अपनी टीम के लिए फाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है। मंगोलिया की राजधानी उलान पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर मंगोलियन राष्ट्रपति उखनागी खुरेल सुखो से मुलाकात की। मंगोलियन राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह के सम्मान में एक डिनर का आयोजन भी किया। राजनाथ सिंह भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री है जो मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया में 1.2 अरब डॉलर से बनने वाली ऑयल रिफाइनरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का मुख्य एजेंडा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों को उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समापन और विनिवेश में तेजी लाने के लिए एक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है जिन्हें पहले ही बंद करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने का कारण बताएं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सरकार के संसाधन बर्बाद न हो और ऐसे मामलों में जहां CPSE स्वायत्त निकाय और अन्य संस्थाओं को बंद करने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है इसे लागू किया जाना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंटोज कुमार, KK सिन्हा, रविशंकर, अर्जुन राम, स्वर्णेश्वर कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, मोहम्मद अबू बाकर, राजकुमार कुशवाहा, नन्नू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार एशिया कप 2022 में कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंच पाएंगी? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।